अरे बच्चों, आज हम क्लास 12th में एक्सरसाइज 5.7 क्लास 12th में एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन है 11? यदि y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x को सिद्ध करना है d² / dx² + y = 0। ये हमको प्रूव करना है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने लिखा y = 5 cos x - 3 sin x, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो गया dy/dx = d/dx ब्रैकेट में 5 cos x - 3 sin x = अलग करेंगे 5% हमारा आगे लिख लिया d/dx cos x - 3 आगे लिख दिया हमने कॉन्स्टेंट इस वजह से d/dx sin x = 5। cos x क्या हुआ -sin x, तो माइनस हमने आगे लिख दिया -sin x - 3। sin x क्या हो जाएगा cos x, ये वाला हो गया dy/dx। अब हम करेंगे d²y/dx², क्या लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d²y/dx² = ये हो गया हमारा। यहां लिखेंगे d/dx ब्रैकेट में -5 sin x - 3 cos x, ये लिख दिया -, अब तुमने आगे लिख दिया d/dx sin x माइनस 3 को आगे लिख दिया d/dx cos x = -5। sin x क्या हो जाएगा cos x - 3, cos x क्या हो जाएगा -sin x, तो इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये जाएगा sin x, ये हो गया हमारा d²/dx². अब प्रूफ क्या आ रहा है d², तो हम यहां इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं यहां, ये वाला हो गया सेकंड और ये हो गया हमारा थर्ड। लिखेंगे फर्स्ट व समीकरण लिखो, समीकरण फर्स्ट व थर्ड को जोड़ने पर ऐसे लिख दो, ठीक है, या ऐसे लिख दो, चलो ऐसे लिख दो उसको, समीकरण फर्स्ट व थर्ड को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट को ये हो जाएगा भाई और थर्ड ये हो गया, समीकरण थर्ड और फर्स्ट को जोड़ने ऐसे लिखो समीकरण थर्ड, क्यों क्या पहले d²y/dx² आ रहा है उसको थर्ड माना था हमने, तो थर्ड लिखो पहले, हमारा भाई फर्स्ट है भाई बाद में आ रहा है तो उसको हमने भाई बाद में लिखा, समीकरण थर्ड और फर्स्ट को जोड़ने पर इसको जोड़ेंगे हम क्या हो जाएगा
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया इसको माइनस फाइव कॉस एक्स प्लस थ्री साइन एक्स प्लस वाई वाई क्या हमारा ये फाइव कॉस एक्स फाइव कॉस एक्स प्लस थ्री माइनस माइनस थ्री साइन एक्स ये हमारा इससे जो ये कट गया इससे ये कट गया बराबर जीरो हो गया हमारा जो क्लियर हो गया मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा कुछ नहीं है इसमें पहले हमने इसका डिवाइडेक्स निकाला फिर इसका हमने डी स्क्वायर वाई पॉइंट एक्स स्क्वायर निकाला उसके बाद हमने डी स्क्वायर वाई पॉइंट एक्स स्क्वायर को वाई में प्लस कर दिया और कट के जीरो हो गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्या ट्वेल्थ है हमारा ट्वेल्थ है वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हमें मान निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान निकालना है इसमें वाई के पदों में ये कह रहा है को केवल वाई के पदों में ज्ञात करो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है हमको वाई के पदों में कि बराबर वाई के यानी तो मान वाई के पदों में ये निकालना है पहले क्या करेंगे उसका निकालो डी यानी को वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है फॉर्मूला वन अपॉन माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है हमारा फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन के लिए ठीक है अब हमको करना है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया अब यहां करेंगे हम इक्वल टू मान स्क्वायर को आगे लिख लेंगे मान स्क्वायर आगे लिख दिया और हमने कर दिया डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा अंडर रूट के स्थान पर कर दिया हमने वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एक बटे दो ये कर दिया अब ये क्या होगा माइनस डी अपॉन डी एक्स ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस एक बटे दो हो जाएगा माइनस एक बटे दो अब इसमें लगा देंगे एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला हम इसको पूरे को एक्स मान लें एक्स पावर एन माइनस एक्सवाइन क्या होगा फॉर्मूला एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर एन का फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन तो एन तो माइनस ये आ गया हमारा एन दिया जाएगा माइनस वन अपॉन टू इंटू एक्स पावर एन माइनस वन एन माइनस वन वन अपॉन टू और माइनस वन ये हो गया इंटू डी अपॉन डी एक्स हमने सो एक्स माना था तो दोबारा करेंगे ये हो गया माइनस वन प्लस हो जाएगा वन अपॉन टू ये क्या हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू इधर कर लें माइनस वन अपॉन टू माइनस वन एल एल्सियम टू आ गया माइनस वन माइनस टू
जाएगा माइनस तीन बटे दो, ये हो जाएगा हमारा माइनस के तीन बटे दो इंटू मतलब जीरो हो जाएगा, इसका हो जाएगा टू एक्स। अब देखो टू ये तो जीरो हो गया वहां करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा, माइनस के टू एक्स आ जाएगा अपॉन टू ये वाला इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस तीन बटे दो। इसको हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा माइनस इससे दो से दो कट जाएगा, क्या बचा माइनस एक्स, और इसको नीचे ले आएंगे क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर तीन बटे दो इक्वल टू तीन बटे दो को क्या करेंगे वन प्लस वन पॉइंट टू ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया भाई वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे इसकी पावर तो एक हो गई वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एक हो गई, इसकी पावर एक बटे दो हो गई, प्लस करेंगे तो वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एक प्लस एक बटे दो तीन बटे दो हो जाएगा। तो हमने इसके स्थान पर यहां से ये लिख दिया वन माइनस एक्स स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां तो हो गया हमारा, अब हमें इसको करना है बाई के टर्म में, कैसे करेंगे मैं इसको ध्यान मिटा रहा हूं, हमारा आ गया बी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारा मान। अब हमें करना है इसको बाई के टर्म में, कैसे करेंगे देखो, ये हमारा y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, जब हम cos को इधर लाएंगे इनवर्स को तो क्या हो जाएगा cos y इक्वल टू x हो जाएगा, जब cos इनवर्स इधर आएगा तो इनवर्स हट जाएगा और cos y हो जाएगा और cos y इक्वल टू ये x हो गया। हमने क्या किया इसमें नाम मान लगाएंगे, इसीलिए d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, हमने इस एक्स के स्थान पर यहां से ये लगा दिया कॉस वाई, क्या लग गया कॉस वाई लग गया अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर, हम इसको यहां लिख रहे देखो कॉस वाई इक्वल टू एक्स, दोनों तरफ अब करेंगे तो दोनों तरफ करने क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, दोनों तरफ वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे दोनों साइडों को एक में से घटाने पर, दोनों पक्षों को एक में से दोनों पक्षों को एक में से घटाने पर क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर बाई इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया वन माइनस हमारा ये है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर बाई हो जाएगा ना साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस स्क्वायर बाई इक्वल टू वन होता है, तो यहाँ वन माइनस कॉस स्क्वायर बाई इक्वल टू साइन स्क्वायर बाई हो जाएगा और ये हमारा इसके बराबर हो गया यहां से एक्स स्क्वायर के बराबर। तो हम इसके स्थान पर यहां लगा सकते हैं साइन बाई लगा दिया अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस स्क्वायर, तो साइन बाई आ गया हमारा यहां लिख दिया साइन बाई, ठीक है क्लियर हो गया। अब साइन स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर आई तो ये साइन स्क्वायर और ये हमारा ये भी साइन स्क्वायर हो गया, इस स्क्वायर से स्क्वायर कर रूट कट जाएगा क्या बचा माइनस कॉस वाई अपॉन साइन स्क्वायर वाई इंटू साइन वाई माइनस कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा
इंटू वन अपॉन साइन स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान बाई के पदों में ये हो गया माइनस कॉट बाई इंटू कोसाइन स्क्वायर बाई, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। बस इसका मान यही से निकालना है, यहां से हमने एक्स कॉस को इधर लाए कॉस इनवर्स को, इधर इधर आएगा तो कॉस इनवर्स हट जाएगा हमारा, कॉस बाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब यहां से दोनों तरफ क्योंकि यहां स्क्वायर आ रहा है एक्स स्क्वायर है इसीलिए हमने दोनों तरफ वर्क कर दिया तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर वन में से माइनस हो रहा है इसलिए दोनों साइडों को हमने एक में से घटा दिया तो वन माइनस कॉस स्क्वायर बाई इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया वन माइनस कॉस स्क्वायर बाई, वन माइनस कॉस स्क्वायर बाई क्या होता है साइन स्क्वायर बाई के, तो हमने इसके स्थान पर लगा दिया साइन स्क्वायर बाई। तो यहाँ लग गया साइन स्क्वायर बाई इंटू इसके स्थान पर साइन स्क्वायर बाई लग गया, स्क्वायर से रूट कर गया क्या हो गया माइनस कॉस बाई अपॉन साइन स्क्वायर बाई इंटू साइन बाई, कॉस बाई अपॉन साइन बाई कॉस बाई हो गया वन अपॉन साइन स्क्वायर बाई कोसाइन स्क्वायर बाई। क्लियर हो गया, इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।